बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं हूँ खुर्रम शहजाद। आज हम कॉरल ड्रॉ की क्लास नंबर 42 में कंट्रोल टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉरल ड्रॉ। कंट्रोल टूल आपको ड्रॉप शैडो के ग्रुप में मिलेगा। जब आप इस ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो इसमें सेकंड टूल होगा आपके पास, कंट्रोल टूल। इसका काम क्या होता है, देखें। अगर मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ, अब मुझे यहाँ पर इसकी शेप जो है, यानी कि इसका इफेक्ट जो है, वो कुछ इस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी मदद से इसकी बहुत सी इफेक्ट्स सेम ऑब्जेक्ट के ले सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने सिलेक्ट किया यहाँ से कंट्रोल टूल, और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखें, यहाँ से अगर हम कहीं से भी इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी ये डुप्लीकेट बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इसके ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये इतने ये इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर ये इफेक्ट आ रहा है। इसमें अगर हम कोई कलर दे देते हैं तो ये देखें, ये इफेक्ट आ रहे हैं कलर्स के। ठीक है, अगर इसकी विड्थ हम कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सेंटर से अप्लाई करना है, इनसाइड और आउटसाइड, जैसे भी अप्लाई करना है वो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इस वक्त ये जो बॉक्स आ रहे हैं वो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स आ रहे हैं। हमें इसके 10 इफेक्ट चाहिए यहाँ, तो यहाँ से आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा लें। ये देखें आउटसाइड की तरफ। ठीक है, तो जितना आपने बढ़ाने हैं वो आप बढ़ा लें यहाँ से। फिलहाल अभी मुझे ये चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप देखें इनके बिटवीन जो स्पेस है वो आपको क्या रखनी है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये ले, यहाँ से बढ़ा लिया हमने। इसके बाद राउंड इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपको कैसे रखने हैं, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राउंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आइए, क्लॉकवाइज काउंटर कलर्स वगैरह की जो सेटिंग्स हैं वो आप क्या रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से देख लें। आपको आउटलाइन क्या चाहिए, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने ये इसका इफेक्ट बना लिया। तो यूज़ होता है ये भी ऑप्शन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट लूँ और यहाँ से, ठीक है, काउंटर टूल लिया हमने और यहाँ से मैंने इसको अप्लाई करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके जो भी कलर्स देना चाहते हैं वो कलर दे दें। ये देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।